अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। उत्तर प्रदेश का औरैया जिला डबल मर्डर से दहल गया है। औरैया के बिदुना कोतवाली इलाके में एक निजी स्कूल के प्रबंधक और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या स्कूल की तीसरी मंजिल पर हुई। प्रबंधक गंधर्व सिंह यादव स्कूल की तीसरी मंजिल पर पत्नी के साथ रहते थे। बुधवार की सुबह दोनों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन कर्म की हालत देख इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हत्या लुटेरों ने की है। सर, एक जो एक थाना बिदुना में ये जो मोहल्ला पड़ता है जवाहर नगर, यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली आज तकरीबन सवेरे 11 बजे कि व्यक्ति गंधर्वा सिंह यादव जी और उनकी वाइफ कमला देवी जो यहाँ रहती हैं, इनको आवाज़ लगाया जा रहा और दूध के लिए इनको नीचे चाबी फेंकी थी, तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे आई, जांच करी गई और पाया गया कि जो गंधर्वा सिंह यादव जी और इनकी जो वाइफ कमला देवी जी, ये मृत अवस्था में अपने कमरे में ऊपर पाए गए। प्रथम दृष्टया बॉडी को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रस्सी या किसी कपड़े जैसे कि मफलर वगैरह से इनका गला घुटा गया है। साथ में कमरे में कुछ सामान फैला हुआ था, तो कमरे में जो सामान फैला हुआ था उसको देख करके लगता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया है चोरी के प्रयास से घर में घुसा है, और चोरी के प्रयास से घुसने के बाद उन्होंने घर में चोरी वगैरह करी है, और जिसमें जो लोग ये लोग पहचान गए थे, इसलिए शायद इनका गला घोट के इनको मार दिया गया। पुलिस ने मौका मुआयना करा है, मेरे द्वारा सीओ एडिशनल एसपी और हमारी फॉरेंसिक टीम ने सभी साक्ष्य संकलित किए हैं, और घर के आने जाने के जो रूट हैं उसका भी निरीक्षण कर लिया गया है। बहुत जल्द इसमें घटना का खुलासा होगा, और इसमें अभी तक प्रतीत हो रहा है कि जरूर कोई अंदर का व्यक्ति शामिल है। जिस तरीके से घर की बनावट है इसमें अंदर का कोई व्यक्ति शामिल, हमारी विवेचना चल रही है। डेड बॉडी को हमने पीएम के लिए ले जाएंगे, जिससे मौत का कारण स्पष्ट होगा, और उसके बाद हम आपको क्लियर बता पाएंगे कि इनकी मौत किस वजह से हुई है। अभी विवेचना प्रगति में है और जितने साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। पुलिस ने दंपत्ति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का बेटा सेना में डॉक्टर के पद पर तैनात है, उसका पूरा परिवार जम्मू में रहता है। आसपास के लोगों के मुताबिक कुछ सालों पहले मृतक के भाई की हत्या भी हो चुकी है। वही मृतक के बड़े बेटे की लाश संदिग्ध हालात में रेलवे पटरी पर मिली थी। सभी हत्याकांड को जोड़कर देखने से कहीं न कहीं हत्या के पीछे संपत्ति विवाद की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि सच क्या है पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। औरैया से अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।